मजा आ गया भाई। ना चलने की तो है पर रुकने की ना पता इसका। ये देखो घोड़ा खड़ा है बाबू, इस ना 60 की पटरी लेकर जाओ है। गाइस आज बाहर का मौसम देख रहे हो, बिल्डिंग तक भी नहीं दिख रही, पूरा फॉगी फॉगी हो रखा है और ठंड भी, अब समझ नहीं आ रहा है फॉग है या धुआं है क्या है। क्या है ये, क्या कहना चाहोगे? यो ओके का धुआं भाई, जो ये भाई धोखा पिया ना ये बंद करो, इन हमारी गाड़ी बंद करवा दी। ये 10-15 साल के मतलब अंकल ना देख ले बस ये व्लॉग। जस्ट अभी वर्कआउट खत्म किया और भाई बाहर आए हैं, ऐसा कुछ मंजर देखने को मिल गया, काफ़ी शानदार हो रखा है। वैसे ठंडी ठंडी तो हो रखी है बट सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं भाई घर। और ये भाई थार के स्टाइल है, थार के कारनामे ही ऐसे हैं, कहीं भी चढ़ा दो भाई कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं होती कहीं भी। अभी देख लो हमने रेत, कितना नहीं किसी का रेत है उसके ऊपर खड़ी कर रखी है, यहाँ जगह ही नहीं है भाई, बाइकें खड़ी हैं, यहाँ पे भी नहीं है। ये गेट सुबह बंद रहता है इसलिए अंदर हम करते नहीं है, तो हम यहीं लगा देते हैं। ये देखो शानदार लगती है भाई, देख रहे हो इसके अलॉयज कितने प्यारे लगते हैं। देखो अंकल अगर वीडियो देख रहे हो तो देखो कारनामे देखो। तो चलते हैं भाई घर, और रोड पे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो रखा होगा, रोड पे तो दिखेगा ही नहीं जहाँ तक मुझे लगता है। खोल दो भाई खोल दो, ब्लॉग अंकल ने देखा ना कहेंगे वाह बेटे वाह, ये करने जाते हो तुम दोनों जिम में। ये बात है यार, एक तो गाड़ी अच्छी तरीके से पार्किंग में अपना प्यार खड़ा देख रहे हो, ओहो एक दिन ये बहुत जल्दी है, तो बहुत जल्द आएगी, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे इसमें। कलर कौन सा? ब्लैक एकदम ग्लॉस वाला। इंजन भी ब्लैक लेंगे, अलॉय भी ब्लैक लेंगे, कती सब ब्लैक ले लेंगे। सिल्वर रंग में या कोई अच्छी थोड़ी लग यार, बिल्कुल भी नहीं। और इस भाई ने तो कुछ करवा भी नहीं रखा, एकदम ऐसी सूखी सी खड़ी कर रखी है वो है, तो उससे शानदार तो साइड में स्प्लेंडर लग रही है। मतलब किसी बात कर रहे हैं फिर? अच्छा स्प्लेंडर की कह रहे हो क्या? हाँ सिल्वर कलर में तो ये खड़ी है। अरे मैं ब्लैक कलर में देखिए अच्छी लग रही है, मैं वो खड़ा देख या बगल वाली देखी होगी। हाँ स्प्लेंडर का मुकाबला नहीं है भाई, कोई सी ले लो। ये ना पेट्रोल की सुई उल्टी फुल होने लग जाए, स्प्लेंडर का एक बार अगर फुल करा दी ना ये तो अपने आप एक्सपोजर कितना बढ़ गया इसका, तो भाई साहब हम चांद पे भी घूम के आ सकते हैं। बिल्कुल भाई, और ये हमारी बस चांद तक का रास्ता बन जाए ना। ये देखो जावा खड़ी है, और हमारी इसकी जावा, देखो थार की एवरेज 8.7, ये 8.7 की भाई एवरेज है थार की, जो कि बहुत कम है। इसमें ये पूरे टाइम पेट्रोल पंप पे खड़ी रहती है। एक बात बोलू, जो पेट्रोल थार है ना, हमने वो बजनो लाल भगवानी को दे रही थी, मैंने डीजल की थार चला दी, मजा नहीं आया। फिर मजा आया ना भाई की पेट्रोल की चलाई, ओहो एवरेज का तो हमने करना की है। बिल्कुल घर के पेट्रोल पंप पर कदे तेल डलवा लो, पैसे दो तेल डलवा लो, अपने घर के हो जाए पेट्रोल पंप, घूम फिर के घर ही आ जाते हैं। इसलिए भाई कोई भी भाई थार ले तो पेट्रोल लियो। हाँ जिसको बढ़िया क्या कहते हैं भगाने में चलाने में मजा ले रहा भाई, पेट्रोल थार सबसे बेस्ट है। डीजल वाली तो जनू है जदरा हमारे ऊपर ही जोर पड़ रहा है, हम गाड़ी चलाओ जोर कर कर वो एक मेरी यार प्रियांशु ना, वो पवार ब्रदर्स नाम सुना होगा उसकी, उसके चैनल पे एक ड्रैग रेस है मेरी थारी और उसकी थार की। भाई मुश्किल था वो रेस होगी 300-400 मीटर की, मुश्किल था ड्रैग रेस। किसने उसमें कोई 150 मीटर का फासला कर दिया, उसकी वो है ना डीजल है ना उसकी डीजल है। हाँ भाई 150 मीटर का कम से कम फासला, या नू जाओ जैसे आल्टो के बराबर में था वरना जाती हो। तो भाई सच में प्रियांशु पवार के कोई फैंस वगैरह देख रहे हैं ना तो ये वीडियो वहां तक पहुंचा दो भाई, उसके हम देखियो। हाँ उसके चैनल पे जाके देख लेना अगर भाई मीम लगा दिया मोई उसके तक पहुंचा दो वीडियो, दोबारा कर देंगे ड्रैग रेस। और ठीक है तो चलते भाई घर, फोन कर दूंगे थार डेजर्ट फोन कर दो रोड। हाँ फोन कर दो यार, ये इधर इतना धुंध धुंध हो रखे ना, कम कम कर थोड़ी ठंड की भी तो पी ली गाड़ी चाहिए ना, ना कर ठंड करवा दो, बारिश करा दो बारिश। हाँ कोई मतलब कौन यार, थोड़ा माहौल सा दिखना चाहिए, बेचारे 5-6 घंटे बारिश होनी चाहिए, 5-6 घंटे में तो गुड़गांव डूब जाएगा।
ये जो है ना ये इतनी जो लेयर है इसमें से पानी ऐसे बहता हुआ दिखेगा। अरे सुन तो फिर हमारे पास फिर कंटेंट होगा ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर हाँ ये बात है, हमारा ट्रैक्टर खुद भाई वेट में बैठा रहता है। कब बारिश हो रही, कब मुझे लेके जाए, कब मुझे ट्रक्कर बस के बराबर मतलब निकाल ले। बस वाले चलेंगे वो कम पानी में तो ये हो जाओगा बीचो बीच में से जहाँ पानी सबसे ज्यादा गहरा हो। ट्रैक्टर के लिए कुछ है ही नहीं भाई, सारी चीज नॉर्मल। कितना उस पे लोड डाल लो, कितना उसे भगा लो, कितना पानी में दे लो, कीचड़ में दे लो, घूम फिर के निकल जाता है। गाइस यहाँ देखो, गाइस ये देखो कुछ नहीं दिख रहा भाई यहाँ हो रखे ज्यादा ठंड। एक तो ये उंगली पे फोकस कर देता है, जब देख रहा हूँ आस पास पूरा भाई बहुत ज्यादा भाई आज फॉग हो रखी है। इतनी ठंड मतलब जिस हिसाब की फॉग है ना उस हिसाब की ठंड नहीं पर बहुत ज्यादा हो रखी है फॉग। ये गाड़ी आगे धीरे जा रही है बोले ना फिर कुछ टाइम बाद गायब हो जाएगी। गाइस क्या हो रहा है ये, यहाँ देखो यहाँ धूप आ रखी है। देखो यहाँ पहाड़ आज दिख ना रहे, देखो पहाड़ दिख भी नहीं रहे। पहाड़ कहाँ है आज अपने पहाड़ हमारे वहाँ आज सामने पहाड़ वहाड़ कुछ भी नहीं दिख रहा देख रहे हो भाई। यहाँ रोड पे यहाँ पूरे साफ सुथरा है एकदम। कैसे देखो गाइस सुबह सुबह इसका मस्ती चढ़ रही है सुबह सुबह मार दी। आजा सुपो बस बस अरे अरे फुल मस्ती सुबह सुबह फुल मस्ती है फुल मस्ती। देख देख ऊपर चल ऊपर चल बहुत मस्ती में भाई मस्ती में दांत मारेगा तेरा मारूंगा। मैं नहीं खेल रहा चल मैं नहीं खेल रहा हट। देख रहे हो खेलने के लिए कर रहा है हट मैं नहीं खेल रहा। देखो गाइस अब भाई हम आ गए रामू भाई की स्कूटी सही करवाने के लिए। रामू भाई मतलब हम कम से कम 100-120 की स्पीड तक आए हैं इससे और रामू भाई इससे आए हैं। इसकी हालत देख लो तुम एक बार और हमसे मुश्किल से 2 मिनट पहले निकले मतलब यू जीत की भाई इससे पता नहीं भाई कम से कम 14-15 किलोमीटर हम आ गए हैं सोना साइड सोना में आए हैं। और भाई बहुत कैड़ा सिस्टम भाई यही खरीदनी है अब तो यही ले लेंगे। ये तो पीछे ही छोड़ दिया भाई सबको छोड़ दिया हम खुद हैरान टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं रामू भाई के लिए अब नहीं निकलवा देंगे। रामू भाई ने उसकी दूध एक जगह कितनी है इस पर एक्सपीरियंस बताइए भाग का कैसी है। दो मीनार बेच कर लेनी है मजा आ गया तो कैडी है भाई कैसे कैसी के है बहुत कैडी है भाई बहुत कैसी मतलब है लेन लायक काम के हिसाब से तो लेन लायक है ना कैसे रुके ना जिस हिसाब का काम है ना रामू भाई का इधर उधर आना जाना बहुत सारा सामान लेना तो उस हिसाब की भाई बहुत काम की चीज है बहुत काम की भाई। 600 हैं तीन इधर तीन उस साइड और लंबी कितनी है पूरी एक रिक्शा जितनी बड़ी है बहुत सही है। अरे एक नंबर एक्सपीरियंस था भाई पहली बार चलाई मैंने इलेक्ट्रिक लगा तो चलाई दो मीनार
बहुत तेज है। रामू वाली चलाइए बतू। हाँ रामू भाई वाली ही है, देख लो हालत देख लो। अच्छा वहाँ है वो दोनों एक सीट लग रही है यार, तो बहुत अच्छी हालत है इसकी तो। ये रामू भाई देखो क्या हालत कर रखी है, ये देख अच्छा नीचे देख, इस साइड देखो गाइस, इस साइड देख, ये देखो। अच्छा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा रामू वाली का, ये वाली नहीं चलाई, इसे अभी से भी चला के देखते भाई ये कैसी है। ब्रेक नहीं जो ध्यान रखिए, बढ़ चक्कर देखिए के भीतर बहुत सही यार कह रही सिस्टम है ओ भाई वो सोचो उस पर फुल सामान लोडेड हो कितनी कैडी लगेगी वो, है ना सिलेंडर प्लेंडर दोनों साइड में सामान भाई से सही करवा लेते हैं। अब चला रहे भाई रामू भाई वाली हायाबुसा 1300 सीसी इंजन, अब दोनों बैठ गए थे तो चलेगी भी ना, है ना ना चले ये दोनों बैठ गए तो बेटू पावर तो है, चल गई चल गई। तो गाइस इसका 0 to 60 चैलेंज कर रहे हैं, करना है इसे करें। हाँ ये रुदा ये तो चल ही ना रही, चल गई चल गई चल गई चल गई ये चल भाई 60 तो आज लेके जाऊंगा, आज पहुंच जाएगी 2-4 किलोमीटर बाद, 60 जगह नहीं है ना बत्तीस चल रही है, ये रुकेगी ना, चलने की तो है पर रुकने की ना पता इसका, ये देखो घोड़ा खड़ा है रामू, इसने 60 की पटरी तक लेके जाओ है जब तक रामू भाई कर सके, हमारे बस की बात ना भाई इसे कि हम 60 की भगा दें, भगा तो देंगे पर ये रुकने की ना है, ब्रेक नहीं है ना इसमें, घुमा लो घुमा लो इसमें रुकी ना नहीं सोच रहा हूँ कैसे चला हुआ ये हमारे डिस्क ब्रेक है भाई, नंबर के डिस्क ब्रेक है 5 नंबर ये 5 नंबर के डिस्क ब्रेक है यार भाई नहीं रुकती वाकई में नहीं रुकती भाई, रामू भाई के रामू भाई के लिए तो हैट्स ऑफ है भाई कैसे चला रहे हैं। सुन बड़े भैया आंटी आ गई इधर बीच में, मैं मुझे भाग गई आंटी तो, और पता पूरा मार्केट देख रहा हूँ पूरी गली इधर यहाँ से चला रहे ना, पूरा मार्केट देख रहा है दोनों कर क्या रहे हैं अपना और अपने परिवार का भाई ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं आप लोगों से कल एक और वीडियो में बाय। अब रेगुलर वीडियो आ रही है भाई, सब्सक्राइब कर दो ठीक है ना, रेगुलर टू रेगुलर वीडियो डालता रहूंगा मैं अब, तो मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय।